लियो बचपन से ही सुइंग से नफरत करता है और उसे पीटना चाहता था क्योंकि सुइंग अपने छोटे भाई सुलीन को बुली करता था। कुछ महीनों से लियो सुइंग के साथ था तो वो उस बारे में भूल गया था कि सुइंग ने अपने छोटे भाई के साथ क्या क्या किया था और लियो उसे पीटना चाहता था। पर अब लियो को वो सब कुछ याद आ गया है और वो अंदर ही अंदर खुद पे गुस्सा कर रहा है कि वो ऐसा कैसे भूल सकता है। तभी सुइंग ने उसे कहा कि मुझसे माफी मांगो, तुम्हारे डैड और भाई ने तुम्हें इसीलिए तो यहाँ पे भेजा है। पर लियो धड़ाम से दरवाजा बंद करके जाने लगा, पर तुरंत ही सुइंग भी उसके पीछे गया, उसे गाली दी और धमकाया कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। लियो नहीं रुक रहा था तो फिर सुइंग ने पीछे से उसका कॉलर खींच के उसे दीवार की ओर धक्का दिया और अपने आर्म से लियो का गला प्रेस किया, पर लियो भी अपने हाथ से उसका गला प्रेस करने लगा। दोनों की हालत खराब हो रही थी तो फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने ही एक दूसरे को छोड़ दिया। लियो फिर से जाने लगा पर सुइंग ने फिर से उसका रास्ता ब्लॉक किया तो लियो ने चिल्लाया कि जियान सुइंग आखिर तुम चाहते क्या हो। सुइंग ने कहा कि मुझे खाना बना दो। लियो इससे सरप्राइज रह गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। सुइंग ने दूसरी ओर नजर करके कहा कि पहले तुम जो नूडल्स बनाते थे वही बना दो, मैं उसे तुम्हारी माफी के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। लियो ने कहा कि हाँ, इसके बाद फिर तुम पूरा कटोरा मुझ पे फेंक सको और फिर से मुझे ब्लेम कर सको, है ना। सुइंग चिल्लाता है कि इस तरह की कंप्लेन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुमने मुझे डंप किया था या फिर मैंने तुम्हें, खुद को कुछ ज्यादा ही महान मत समझो। लियो सोचता है कि क्या उसे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, अगर फिर से वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देगा तो फिर क्या, इससे तो अच्छा है मैं अभी किसी दीवार पे जाके अपना सर फोड़ने लगूं। वो दोनों क्या सोचते हैं वो हमें पता चलता रहता है, इसलिए हम सबको ये पता है कि उन दोनों को सेम महसूस हो रहा है कि हमारा इस्तेमाल हुआ है, मेरा इस्तेमाल करके उसने मुझे फेंक दिया। इस तरह की कहानियां देखने में यही तो मजा है, हमें पता चलता रहता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और उसी वजह से ही तो हमें वो कैरेक्टर पसंद आते हैं। सुइंग ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहते तो फिर मैं कल ये सारी चीजें लेके तुम्हारे घर जाऊंगा और पर्सनली तुम्हारे फादर को ये रिटर्न करूंगा। तो फिर लियो तुरंत ही सुइंग के लिए खाना बनाने के लिए मान गया। वो लोग फिर से घर में अंदर गए और लियो उसके लिए खाना बनाने लगा। सुइंग लगातार उसे देख ही जा रहा था और सोच रहा था कि लियो ने काफी वक्त से शायद बाल नहीं कटवाए हैं, अगर अब भी हम दोनों साथ होते तो साथ में बाल कटवाने जा पाते। वो लियो को शाओजू के साथ कंपेयर करता है, जो पिंक हेयर वाला लड़का है वो उसके साथ, कि शाओजू तो कितना जेंटल और समझदार है, अगर लियो आता भी उसके जैसा होता तो हमारे बीच इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर वो मेरे सारे पुराने लवर से इतना अलग नहीं होता तो मैं उसे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करता। और सुइंग को लियो जब खाना बना रहा हो तब उसे देखना अच्छा लगता है क्योंकि लियो जो खाना बनाता है वो टेस्ट में भी अच्छा होता है और खाना बनाते वक्त लियो भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। पहले भी लियो कुछ दिनों तक सुइंग के घर रहा था, उस वक्त लियो उसके लिए खाना बनाता था और उसकी देखभाल रखता था तो वो सुइंग को बहुत ही अच्छा लगा था। पहले ही लियो ने सिर्फ 2-3 बार ही उसे खाना बना के दिया था, पर सुइंग को अपनी पूरी लाइफ वो याद रहेगा। तभी लियो ने सेम वैसा ही नूडल्स का बाउल उसके सामने रखा। सुइंग ने उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या अब यू यहाँ से जाने वाला है।